बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन एडी कुकिंग यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम एडी कुकिंग में बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल चाइनीज़ पकौड़े। चाइनीज़ पकौड़े मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। मैंने लिया है जिसके मैंने ली है 1 कप बंद गोभी, 1 कप गाजर, 1 कप आलू, दो दो कप मैंने बेसन लिया है, शिमला मिर्च ली है बारीक कटी हुई 1 कप, ये हरी मिर्चें हैं 2 कटी हुई, और ये हरा धनिया है, एक छोटी सी प्याज ली है, लहसुन लिया है चॉप 1/2 टीस्पून, चिली सॉस है 2 टेबल स्पून, सोया सॉस है 2 टेबल स्पून, 1 अदद फेंटा हुआ अंडा लिया है, और स्पाइसेस हैं जिसमें हमने नमक लिया है, मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 पिंच मैंने बेकिंग सोडा है, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ही है, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा है, और 1 टीस्पून सुरख मिर्च है। तो सबसे पहले हम एक बाउल में बेसन को डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसमें हम अंडा डालेंगे, फेंटा हुआ अंडा डाल दिया, और इसमें हम ये स्पाइसेस सारे डाल देंगे, जिसमें नमक मिर्च और बेकिंग पाउडर सारा कुछ ये डाल देंगे, चिली सॉस डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच के साथ। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स को अभी हम इसमें नहीं डालेंगे। सबसे पहले हम बेसन को गोल लेंगे अच्छी तरह से। रमज़ान में ये पकौड़े बनाने बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़े के, क्रिस्पी से ये पकौड़े बनते हैं, ज़रा डिफरेंट स्टाइल से। घर में छोटे बच्चे भी रोज़ा रखते हैं तो वो बहुत ही शौक़ से ये डिफरेंट स्टाइल के पकौड़े खाएंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखेंगे इसकी। हम ये गोल को थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे, क्योंकि अभी हम जब इसमें सब्जियां डालेंगे तो सब्जियों का भी पानी होता है, वो भी ज़रा पानी छोड़ेंगे तो ये बैटर हमारा पतला हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसका बैटर तैयार कर लेना है। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, आलू डालेंगे, गाजर डालेंगे, बंद गोभी डाल देंगे, हरा धनिया और हरी मिर्च ये भी डाल देंगे, प्याज और लहसुन है ये भी डाल देंगे, ऑप्शनल है प्याज, अगर आप नहीं पसंद करते चाइनीज़ पकौड़ों में तो आप मत डालिए। इनको अच्छी तरह से गोल लेंगे, इनको अच्छी तरह से गोल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने कलरफुल से, कितने खूबसूरत हमारे ये देखिए माशाल्लाह से हमने इनको कलरफुल सा गोल लिया है, प्यारा सा खूबसूरत सा माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की इसमें सोया सॉस और चिली सॉस की खुशबू आ रही है। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया है, आइए अब हम इसको फ्राई करते हैं। पैन में हमने घी को गर्म कर लिया है, इसमें अब हम ये पकौड़े जो हैं 1 बाय 1 डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चम्मच की मदद से हम डालेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के, बहुत क्रिस्पी ये आप अफ्तार में बनाएं, और बच्चों का भी दिल जीत लें और घर वालों को भी डिफरेंट चीज़ बना के दें। माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से ये बन गए हैं, सॉफ्ट से, यम्मी से ये पकौड़े हमारे तैयार हो रहे हैं, खुद ब खुद ही ये मैदा हो रही है बर्तन से, इसका मतलब ये है कि ये एक साइड अच्छी तरह से बन चुकी है। जब तक ये पकौड़े हमारे रेडी हो रहे हैं मैं आपको मिलवाती हूँ। उस दिन हमारा एक फैमिली मेम्बर रह गया था जिससे मैंने आपको मिलवाना था, और वो है मीनाल फातिमा। मैं आपको मीनाल फातिमा से मिलवाती हूँ। ये है मीनाल फातिमा, ये उस दिन रह गई थी, मैंने 2 बेटों से मिलवाया था, अमल से आप पहले ही मिल चुके हैं। ये है मीनाल, ये है मीनाल, और ये हैं माशाल्लाह से 1 क्लास में हो गई हैं, 8 ईयर्स की हैं। देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ही क्यूट सी मेरी बेटी है।
ये मूसा से छोटी हैं। पकौड़े हमारे माशाल्लाह से कुक हो चुके हैं, अब हम इनको बाहर निकालेंगे। सेकंड बैच भी ऐसे ही तैयार करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी चाइनीज़ पकौड़ों की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।